राधे राधे दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और आज है गोवर्धन की पूजा और भंडारा। मैं अभी मंदिर से आ चुकी हूँ। सुबह मंदिर गई थी 5 बजे और अब मंदिर से आ चुकी हूँ। घर के मंदिर की भी पूजा कर ली है और आज के ब्लॉग में आप बने रहिएगा। आज गोवर्धन जी महाराज की पूजा है, परिक्रमा देंगे और भंडारा भी करवाएंगे। तो आपको मिलूँगी मैं सीधा भंडारे में। अभी हमें चाय वगैरह पी लेते हैं और कमेंट्स में जरूर लिखेगा जय श्री गोवर्धन महाराज की जय। और दिवाली जो है बहुत अच्छे से मनाई, बहुत इन्जॉय करा, बहुत सारे गिफ्ट मिले। तो मिलते हैं थोड़ी देर में। आज इंद्रदेव के सब ग्राम जो है ना, ये सभी ग्राम के वासी पूजा करने के जा रहे हैं। बोले जिससे गांव में ठीक से वर्षा होती रहे और कभी भी फसल जो है ये खराब ना हो और हमारा अन्न धन जो है ये सदा ही बना रहे। उस समय लोग इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए ये अन्नकूट का पकवान जो है, ये अन्नकूट का महत्व जो है उसको चढ़ाया करते थे। यशोदा मैया ने कृष्ण जी को ये भी बतलाया कि बेटा इंद्रदेव की कृपा से बोले हमारे यहाँ अन्न की पैदावार होती है और उनमें गायों का चारा जो है उन्हीं से मिला करता है। तब इस बात पर श्री भगवान कृष्ण ने कहा, फिर तो महामैया इंद्रदेव की जय आज गोवर्धन की पूजा होनी चाहिए क्योंकि गायों का चारा वहीं से हम लोगों को मिलता है। बोले इंद्रदेव तो कभी प्रसन्न होते नहीं और ना ही आज तक उन्होंने आपको दर्शन दिए। इस बात पर ब्रज के लोग जितने भी थे महाराज इंद्रदेव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा करने लगे। तब ये देखकर के इंद्र इतने क्रोधित हो गए कि उन्होंने महाराज ब्रज में इतनी मूसलाधार वर्षा शुरू कर दी। इंद्रदेव ने इतनी वर्षा करी कि उससे ब्रजवासियों को फसल के साथ काफी नुकसान हुआ और ब्रजवासियों को परेशानी में देख करके भगवान श्री कृष्ण ने अपनी कनिष्का उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत को उठा लिया और सभी ब्रजवासियों ने अपने गाय बछड़े के समेत उस पर्वत के नीचे शरण लेने के लिए जाकर के कहा। गाइस इधर आ चुका है हमारा बांटने का जो अन्नकूट का सामान है सारा। अभी बस टेबल वगैरह लगवाते हैं वहाँ पर। तो ये टेबल हमारी लग चुकी है, आप देख सकते हैं बरसात की। बस अभी कुछ ही मिनटों में बांटना शुरू करेंगे, पहले भोग लगवा दें, बस बच्चे आने वाले हैं। थोड़ी सी प्लेट होगी जो ऊपर करना खराब हो गया। इधर करो। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे जी। गोवर्धन महाराज की जय।
हेलो गाइस, हेलो गाइस, हम आ चुके हैं भंडारा बाट के घर और बहुत टेस्टी भंडारा था। मंदिर भी होके आए थे लेकिन वीडियो बना नहीं पाए। हम गोवर्धन की पूजा कर रहे हैं और कल है भैया दूज तो उसका ब्लॉग अलग आएगा। ये एक दिन पहले आके टिक गई है घर पे। इधर आओ बेटा। नानी सेब खा रही है। नानी कर रही है। सारे बच्चे दंगा कर रहे हैं। अभी मिलते हैं आपको घर पहुंच के। नमस्कार। गुटका खा रहे हैं ना।